जिस तरह से मध्य प्रदेश में कार्रवाई की गई, छापेमार कार्रवाई से पूरे देश में हड़कंप है। और इस कार्रवाई के बाद में सीबीडीटी ने खुलासा किया है। सीबीडीटी का दावा है कि इस कार्रवाई के दौरान 281 करोड़ काले धन का पता चला है। मध्य प्रदेश में छापेमारी के बाद सीबीडीटी ने बड़ा खुलासा किया। सीबीडीटी ने दावा किया है छापों में उन्हें 281 करोड़ के काले धन का पता चला। सीबीडीटी का दावा है कि दिल्ली में एक राजनीतिक दल को भी पैसे भेजे गए। ये पैसे हवाला के जरिए भेजे गए। सीबीडीटी ने बताया कि अब तक के छापों में उन्हें 14 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। 250 से ज्यादा शराब की बोतलें, हथियार और बाघ की खाल भी बरामद हुई है। सीबीडीटी के मुताबिक फर्जी बिल के सहारे 242 करोड़ से ज्यादा पैसे भेजे गए। इसके साथ ही टैक्स हेवन देशों में 80 कंपनियों के भी सबूत मिले हैं। आयकर विभाग ने एक साथ दिल्ली, इंदौर समेत 50 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी एमपी के सीएम कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़, कमलनाथ के राजनीतिक सलाहकार राजेंद्र कुमार मिगलानी, अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी के अलावा कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के ठिकानों पर भी की गई। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ का कहना है कि दिल्ली से छापेमारी करने आई टीम को उनके घर से कुछ भी नहीं मिला। दो दिनों की कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी बड़े खुलासे का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव के दौरान इस कार्रवाई पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। और वहीं कुछ इसी तरह की कार्रवाई हैदराबाद में भी की गई और यहां से 8 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये पैसा तेलंगाना बीजेपी का है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन मतदान से पहले भारी मात्रा में रुपए मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस को ताजा कामयाबी हैदराबाद में मिली, जहां से पुलिस ने 8 करोड़ रुपए बरामद किए। सीज किया गया रुपया तेलंगाना बीजेपी का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के नारायण गुंडा में पुलिस ने तलाशी अभियान के तहत एक शख्स की कार से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसे और 6 करोड़ रुपए कैश के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस ने छापा मार कर उसे भी जब्त कर लिया। पूरे मामले में 7 लोगों को पकड़ा गया है। बरामद की गई 8 करोड़ की रकम और 7 आरोपियों को इनकम टैक्स विभाग के हवाले कर दिया गया। उधर इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि सीज किया गया रुपया पार्टी का है, जो पार्टी की ओर से छोटे भुगतानों और बकाया देने के लिए इंडियन बैंक से निकाला गया था। बीजेपी ने सीज किए गए रुपए के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की बात को भी गलत बताया। पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनावी जो प्रचार है उसका अंतिम दिन है और कहा जा सकता है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जगहों पर रैली करने वाले हैं। अप्रैल को होने वाले पहले चरण की 91 सीटों के प्रचार का शोर आज थम जाएगा, लेकिन इससे पहले सभी पार्टियां इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। आज पीएम मोदी 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पीएम की पहली जनसभा महाराष्ट्र के लातूर में होगी। लातूर में पीएम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम कर्नाटक के चित्रदुर्गा और मैसूर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम की आखिरी सभा शाम को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबित पात्रा के लिए ओडिशा के पुरी में रोड शो करते नजर आएंगे। अमित शाह का ये रोड शो श्री जगन्नाथ मंदिर से सिंघाड़ा से निकलकर बत्सांखा तक जाएगा। अमित शाह चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए वापस लखनऊ जाएंगे और मीडिया के साथ बात करेंगे। अब बात कांग्रेस की करें तो खराब मौसम की वजह से भले ही सोमवार को राहुल प्रियंका की साझा रैली नहीं हो पाई, लेकिन प्रियंका गांधी आज सहारनपुर, शामली और बिजनौर में रोड शो करके उसकी भरपाई करेंगी। उधर चुनावी तारीखों के नजदीक आते ही राहुल गांधी के प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। राहुल गांधी अपनी रैलियों की शुरुआत ओडिशा के गंजम से करेंगे। इसके बाद राहुल बिहार महागठबंधन के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के पक्ष में प्रचार करने आएंगे। राहुल का आज का प्रचार ओडिशा के कंधमाल में जाकर थमेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 2 प्रधानमंत्री वाले बयान पर विवाद शुरू हो गया है। खुद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साधा और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर 2 प्रधानमंत्री की बात कही जाती है तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35 ए और धारा 370 के को हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की अगुवाई गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के 2 प्रधानमंत्री वाले बयान पर तीखा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर वो जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की बात कहते हैं तो सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं 2 शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, यदि 2 प्राइम मिनिस्टर की बात यदि उठती है तो फिर हमारे पास भी धारा 370 समाप्त करने और 35 ए समाप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को भी घेरा और इस बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की।
राजनाथ सिंह आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में रैली को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह के बयान पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने पलटवार किया, ट्वीट कर निशाना साधा, लिखा, अदालत में क्यों वक्त खराब करना जब बीजेपी खुद ही धारा 370 खत्म कर सकती है, और ऐसा हुआ तो हम चुनाव में भी नहीं उतरेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर पर फिर भारतीय संविधान लागू नहीं होगा। ना समझे तो मिट जाएंगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज है, वोट के लिए हर पार्टी कश्मीर में अपना एजेंडा चला रही है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो में भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 से हटाने का दम भरा गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में कश्मीर को लेकर जो दावे किए गए वो वही नजर आए जो साल 2014 में थे। दोनों मैनिफेस्टो में दावा किया गया कि धारा 370 और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 35 को हटाया जाएगा। साथ ही दोनों मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाया जाएगा। ये घोषणा पत्र 2024 के लिए है, हमने 2022 तक एक अंतरिम में जब 75 वर्ष पूरे होंगे उसके 75 संकल्प देश के समक्ष रखे, एक जवाबदेही सरकार हमने 5 साल चलाई है, आगे भी 5 साल चलाएंगे। बीजेपी ने जो तैयार किया है यहाँ लोगों को दबाने का, डराने का, उनको तंग करने का, उससे जो है माहौल और हालात जो है वो बेहतर नहीं। आपको बता दें कि पिछले 30 साल में सिर्फ एक व्यवस्थित कश्मीरी पंडित परिवार घाटी में लौटा है। अब मैं कश्मीर में सुरक्षा बलों के मूवमेंट के दौरान हाईवे ब्लॉक करने वाले फैसले को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। शाह फैजल ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चुनौती दी है। कश्मीर की सियासत के नए नवेले चेहरे शाह फैसल ने पहला ऐसा कदम उठाया जिसका मकसद खुद को जनता से जोड़ना था। शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में हाईवे बंद करने के फैसले को चुनौती दे दी। फैसल के इस फैसले को निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है जिस पर मंगलवार को पहली सुनवाई होगी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शनिवार और रविवार को हाईवे पर सिर्फ सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर सवाल उठा चुके हैं। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद फैसला लिया गया था कि शनिवार और रविवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सिविलियन ट्रैफिक रोका जाए और हाईवे सिर्फ सुरक्षा बलों के मूवमेंट में इस्तेमाल हो। टेरर फंडिंग मामले को लेकर मीरवाइज की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल 8 घंटे तक पूछताछ के बाद में एक बार फिर से उनसे आज पूछताछ की जाएगी। कश्मीर के अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक पर टेरर फंडिंग मामले में शिकंजा कस गया है। सोमवार को पूछताछ के बाद आज दोबारा मीरवाइज उमर फारूक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मीरवाइज के अलावा सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी को भी पूछताछ के लिए मंगलवार को ही बुलाया गया है। सोमवार को मीरवाइज उमर फारूक की एनआईए के सामने पेशी हुई। एनआईए ने करीब 8 घंटे तक मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ की। एनआईए ने मीरवाइज से पूछा, बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जानकारी मांगी, हवाला कारोबारियों से रिश्तों के बारे में पूछा, छापेमारी के दौरान जब्त किए गए सामान की जानकारी मांगी, मीरवाइज के विदेश में जानकार पारिवारिक सदस्यों के बारे में पूछा, मित्रों और कारोबारी रिश्तों के बारे में भी जानकारी मांगी, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक एनआईए के सवालों का जवाब नहीं दे सका, जवाब देने में टालमटोल करता रहा। बताया जा रहा है कि एनआईए ने मीरवाइज से सवालों के जवाब लिखित में लिए हैं। इस मामले में मीरवाइज उमर फारूक की परेशानियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनके घर से बरामद किए गए सामान और दस्तावेजों के बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है। आचार संहिता लागू होने का सबसे ज्यादा असर मुंबई के सराफा जावेरी बाजार में देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इसे एक्सपेंडिचर सेंसिटिव घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग की सख्ती का सबसे बड़ा असर मुंबई की सबसे बड़ी सराफा मंडी जावेरी बाजार पर पड़ा। जावेरी बाजार इलाके को चुनाव आयोग ने एक्सपेंडिचर सेंसिटिव घोषित कर दिया है। इलाके में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर आयकर विभाग और पुलिस की खुफिया विभाग की पैनी नजर है। इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा की है यहाँ पे कि भी कोई भी आदमी यहाँ पे 50,000 या उसके अमाउंट के ऊपर ज्वेलरी कैश या कुछ भी इधर से लेगा तो उसकी सर्च हो सकती है। जावेरी बाजार को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव घोषित किए जाने के बाद सबसे पहले आंगड़िया ने अपना काम बंद कर दिया। इसकी वजह से मार्केट में कैश फ्लो की कमी आ गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब तक जावेरी बाजार इलाके में 6,20,00,000 रुपए और 135 किलोग्राम सोना जब्त किया जा चुका है जिससे ग्राहक भी बाजार से दूर हो गए हैं और बाजार सूना पड़ा है। चुनाव अधिकारियों को आशंका है कि मुंबई और महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान जावेरी बाजार से काले धन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इससे सराफा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबूत दिखाए गए जिसमें एयरस्ट्राइक के बाद में F-16 को नष्ट कर दिया गया था। यह है रडार सिग्नेचर की वो तस्वीरें जो भारतीय वायुसेना ने आज देश के सामने रखी। इस रडार सिग्नेचर की तस्वीर में आपको साफ दिखेगा कि पाकिस्तान के मीरपुर के नजदीक भारतीय रडार ने पाकिस्तानी F-16 विमानों की हरकत पकड़ी थी।
रडार सिग्नेचर के साथ साथ भारतीय सेना की जानकारी पर आधारित एक दस्तावेज भी पेश किया गया है, जिसमें नौशेरा के नजदीक डॉग फाइट के वक्त पाकिस्तानी F-16 को भारतीय MiG-21 बाइसन की लोकेशन बताई गई। ये तस्वीरें साफ बताती है कि अमेरिका के साथ संधि का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना और मजबूत होती जा रही है और देश में निर्मित 6 होवित्जर भारतीय सेना को सौंप दी गई। लंबी दूर तक मार करने वाले धनुष नाम के होवित्जर आज भारतीय सेना की तरकश का हिस्सा बन गई है। जबलपुर के एक समारोह में धनुष को भारतीय शूरवीरों को सौंप दिया गया। धनुष 155x45 mm की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। इसकी रेंज तकरीबन 38 किलोमीटर है और ये एक घंटे में 42 गोली फायर कर सकती है। खास बात यह है कि इसका वजन 13 टन है, यानी इसे पहाड़ी इलाकों में भी तेजी और आसानी से मूव और ऑपरेट किया जा सकता है। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां पर एक शख्स को इसीलिए सजा दी गई क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर विरोध किया था। नीली टी शर्ट पहना यह शख्स अपने सामने खड़े लोगों से हाथ जोड़कर बार बार माफी मांग रहा है। इतना ही नहीं, उठक बैठक लगाकर फिर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के एक भाषण का सोशल साइट पर विरोध कर दिया। यही वो पोस्ट है जिसके सोशल साइट पर डालते ही एमएनएस के कार्यकर्ता इस शख्स के घर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, इस शख्स के साथ मारपीट भी। बता दें कि इससे पहले भी राज ठाकरे का विरोध करने को लेकर लोगों को एमएनएस कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। चुनावी समय है और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसी तरह से एक और रैप इन दिनों चर्चा का विषय, आप भी सुनिए नमो रैप। यह बीजेपी नेता विनीत शारदा का पॉलिटिकल रैप। नेताजी के बोलने की स्पीड इतनी तेज है कि बड़े से बड़े रैप आर्टिस्ट शर्मा जाए। नेताजी मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के समर्थन में जनसभा कर रहे थे। इसी दौरान नेताजी के अंदर का रैपर जाग गया और उन्होंने 30 सेकंड के अंदर करीब 75 बार नमो नमो का जाप कर दिया। इससे पहले ये जनाब कमल रैप करते नजर आए थे। और साक्षी महाराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के उन्नाव में बीजेपी के उम्मीदवार साक्षी महाराज पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नामांकन करवाने आए साक्षी महाराज के साथ सैकड़ों समर्थक कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंच गए, जबकि कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट से 200 मीटर पहले तक बैरिकेडिंग की थी, लेकिन पुलिस के रोकने के बाद भी कार्यकर्ता नहीं रुके और धक्का मुक्की करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ दी। वहीं कलेक्ट्रेट के गेट पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। भीड़ का हुजूम कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ता देख सीओ सिटी ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को वहां से बाहर खदेड़ा। हालांकि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन फिलहाल खामोश है। चुनावी मौसम है और ऐसे में जो मौसम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। आपको बता दें, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कहीं पर बर्फबारी हो रही है, तो बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अप्रैल के महीने में भी पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम करवट ले रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है तो मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश। बर्फबारी से सफेद पहाड़ों की ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ की हैं, जहां रास्ते से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। 9 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने हैं, लेकिन बर्फबारी और तूफान से रास्ता साफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह 10 फीट तक बर्फ जमी है, रेलिंग टूट चुकी है, 100 से ज्यादा मजदूर काम पर लगे हैं, लेकिन अब तक 10 किलोमीटर पैदल मार्ग ही खुल पाया है। वहीं रुद्रप्रयाग में अचानक आए आंधी तूफान और बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, लोग घरों में कैद हो गए। उत्तरकाशी जिले में भी कई इलाकों में बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। ओले रात को डेढ़ बजे लगभग बहुत ज्यादा पड़े और चुल्लू गेहूँ और आलू की फसल सारे नष्ट होके तबाह हो गई है। यूपी में भी कई जगह धूल भरी आंधी चलने से लोगों को मुश्किल आई। उग्रवाद और नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 34 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को चुनाव से पहले बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के सामने नक्सली कमांडर माडवी हिंगा भरमार समेत 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी नक्सलियों ने एराबोर थाने में आकर आत्मसमर्पण किया। ये नक्सली मणिकोंटा, गगनपल्ली, कोंगडम, मिट्टागुंडा, मरई गुंडा के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के ऑपरेशन और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है, उससे पहले इन नक्सलियों के सरेंडर को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए अब आपको हम चीन के जू की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं क्योंकि यहां के जानवर कभी धूप सेकते हुए नजर आते हैं तो कभी मस्ती करते हुए देखे जाते हैं। चीन में मौसम का मिजाज बदलते ही जू में जानवर भी मस्ती के मूड में दिखाई देने लगे हैं। तस्वीर चीन के लियोनिंग प्रांत के शेनयांग जू की है। यहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही जानवर पिंजरों से बाहर आ गए। जू में 4 बड़े पांडा हैं जो बाहर निकलकर धूप सेक रहे हैं, पसंदीदा बांस की पत्तियां भी खा रहे हैं।
पानी में अटखेलियां करते हुए बतखों या फिर शुतुरमुर्ग सभी जानवरों की मस्ती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग भारी तादाद में जू घूमने आ रहे हैं और जानवरों को खाना खिलाने का आनंद उठा रहे हैं।